एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। सो टुडे इज द सेकंड एपिसोड ऑफ सैटरडे टॉक। इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डिसिप्लिन यू हैव टू चूज इन लाइफ साइंस सेक्टर। अगर आपकी 11th 12th खत्म हो चुकी है तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि लाइफ साइंस जो फील्ड होते हैं उसमें बहुत सारे सब डिसिप्लिन है। अब उन डिसिप्लिन में से हम कौन सा डिसिप्लिन चूज करें, तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। हम एक एक डिसिप्लिन जो होता है, जैसे कि लाइफ साइंस में बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए, तो हम एक एक डिसिप्लिन जो होता है, हम एक एक डिसिप्लिन में आपको बताऊँगी कि उसमें क्या क्या होता है, करियर स्कोप क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उनके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से डिसिप्लिन में जाना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, ताकि बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हम बना सके सोसाइटी के लिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो आप बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप क्या क्या है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उसमें आप ड्रग डिस्कवर कर सकते हो किसी भी एक डिसीज के अगेंस्ट। अगर आपको कोई डिसीज पता है उस पर आपने स्टडी की और उसके अगेंस्ट आप एक ड्रग डिस्कवर कर सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे भी अगर कोई भी क्रॉप रहा उसके जीन को एडिट करके आप उस क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर उस यील्ड इंक्रीज कर सकते हो बाय एडिटिंग द जीन्स। जैसे आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, दैट इज नॉट, वो सब कुछ किसके अंडर आता है, वो आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंडर। इसके बाद इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज है जैसे पोल्यूशन हो गया, तो आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सोल्यूशन निकाल सकते हो, जैसे कि बायो रेमेडिएशन एक सोल्यूशन होता है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में करियर कहाँ का है, आप R&D में यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकते हो, प्रोडक्शन में काम कर सकते हो, या फिर आप इंडस्ट्रीज में, जो R&D, QC, प्रोडक्शन, ये सारे इंडस्ट्री के बारे में हो गए। इसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो, दैट इज़ ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो नाम ही बताता है माइक्रोबायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी पड़ेगी माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें आप मेडिकल या जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है उसमें आप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं उन पर स्टडी कर सकते हो, और उनके बेसिस पे आप वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स डिस्कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो एनवायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी आप कर सकते हो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में। अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो रहे हैं तो वही करियर स्कोप आएगा आपको, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में थे, आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हो एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन में, या फिर आप लेक्चरर बन सकते हो, या फिर खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हो। इसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी नाम ही आपको बताता है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, आपको प्लांट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे कि प्लांट की स्ट्रक्चर हो गया, ग्रोथ हो गई, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, ये सब कुछ जो होता है जिसको आप कर सकते हो बॉटनी। अब करियर बॉटनी में क्या होता है, तो आप जो प्लांट से बने हुए मेडिसिन उस पर आप स्टडी, मतलब उस सेक्टर में आप जा सकते हो, जैसे प्लांट से जो मेडिसिन बनते हैं उसमें, या फिर आप एजुकेटर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, प्लांट कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट बन सकते हो। ये अलग अलग करियर होते हैं बॉटनी। अब हम आते हैं जूलॉजी। अब जूलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी नाम ही आपको सजेस्ट करता होगा कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें आप एनिमल्स के जो इवोल्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी, ये सारा कुछ स्टडी कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी। अब जूलॉजी में सब डिसिप्लिन भी आते हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, हर्पेटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट, और मैमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मैमल्स। सो जूलॉजी में भी और सब डिसिप्लिन आते हैं
ये सब डिसिप्लिन ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, एंटमोलॉजी एंड मैमोलॉजी होते हैं। इसके बाद आप कहाँ करियर कर सकते हो जूलॉजी में, तो आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हो, उसके बाद एनिमल बिहेवियर रिसर्चर बन सकते हो, इसके बाद वेटरनरी मेडिसिनर, एज अ वेटरनरी मेडिसिनर आप भी बन सकते हो, या फिर आप जू और एक्वेरियम को भी मैनेज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को कंबाइन करके हम एक एनालाइज और इंटरप्रिट करते हैं बायोलॉजिकल डाटा, दैट इज नथिंग बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप ये कर सकते हो, ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन बना सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मैनेजर होता है, डिजीज रिसर्च किसी भी डिजीज पर आप रिसर्च कर सकते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप बायोलॉजिकल डाटा इंटरप्रिट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक पता चला कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपका जीनोम पता करना है, तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू आप उसका जीनोम पता लगा सकते हो, उसके बाद उसका जीन्स, उसके बाद उसमें कितने कोडिंग रीजन्स है, नॉन कोडिंग रीजन्स है, वो सब कुछ आप पता लगा सकते हो। जो भी पाथवेज होती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो सारे पाथवेज आप तैयार कर सकते हो, मतलब इंटरप्रिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो डिसिप्लिन होते हैं लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वो सब के बारे में हमने अभी बात की है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में इंटरेस्ट है तो आप माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो, अगर आपको प्लांट की स्टडी है तो आप बॉटनी में जा सकते हो, एनिमल्स के लिए जूलॉजी, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको न्यू प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं सोसाइटी के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस डिसिप्लिन्स विच आर प्रेजेंट इन लाइफ साइंसेज। और भी अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक हो गया, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी। अब जो इम्यूनोलॉजी होती है वो डिपेंड करती है इम्यून सिस्टम पे, जो भी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम उस पूरे पे इम्यूनोलॉजी का जो इम्यूनोलॉजी डिसिप्लिन है वो स्टडी करती है इम्यून सिस्टम पे। उसके बाद वायरोलॉजी पूरा स्टडी होता है वायरसेस का, जो भी वायरसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, उनकी जो स्टडी होती है वो आती है वायरोलॉजी में। और जेनेटिक्स में हमारे जो जीन्स है, जेनेटिक्स, वो सारा कुछ स्टडी हम कर सकते हैं जेनेटिक्स में। सो ये जो सारे डिसिप्लिन्स है, आप इनके बारे में गूगल पे भी सर्च कीजिए, जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है लाइफ साइंस के, उनके बारे में जानिए, ताकि आपके जो इंटरेस्ट होगा वही डिसिप्लिन आप चूज़ करेंगे आफ्टर योर 11th और 12th। अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अगर कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल मेक श्योर कि अगले सैटरडे आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाए, और आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू लाइफ साइंस, आपके वो सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट वॉट टू चूज़ आफ्टर योर 11th और 12th इन लाइफ साइंस डिसिप्लिन। थैंक यू।